हमारे प्यारे किसान भाइयों, ग्लोबल बाजार नर्सरी पे सारे किसान भाई को स्वागत है। आज जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं ये एप्पल बेर प्लांटिंग सिस्टम। बहुत लोग पूछता है जो पहले साल में हम खेती के अंदर रोप सकते हैं। जी हाँ, आप रोप सकते हैं। आज जो हम ज़मीन में दिखा रहे हैं ये है बरबूटी का खेती हो रहा है, इसके अंदर एप्पल बेर की प्लांटिंग हो रहा है। तो गड्ढा खोदा गया है, तो अभी आपको दिखा रहा हूँ जो गड्ढा कितना खोदनी है और कैसे इसको प्लांटेशन करनी है। और इसके अंदर आप 6 महीने का तक आप खेती बाड़ी ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, प्लांटेशन करने से पहले आप कितना साल के लिए इस प्लांट से आप पैदावार लेने वाले हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखनी है। इस किसान ने 1 साल के लिए फ्रूटिंग लेगा, इसलिए इसका प्लांटेशन मेथड अलग है। जब आपको 2 साल या 5 साल या 3 साल के लिए लेना है तो प्लांटेशन मेथड आपको अलग करना पड़ेगा। इनका जो प्लांटेशन मेथड है 1 साल का है, इसलिए इसका जो 4 फुट का ये गैप है इतना सा ही गैप है, देख सकते हैं दूरी। यह प्लांट की जड़ है और यह पैकेट है। ये पैकेट आपको 4x5 इंच का है और ये जो प्लांट है ये इस तरह का है और एक गड्ढा भी उस तरह से खोदा जाता है जितना चाहिए गड्ढे को, ज़्यादा बड़ा नहीं गड्ढा खोदनी है। देखिए इसमें समा गया, ठीक है। इसको पैकेट को काट के आपको आगे प्रोसेस हम दिखाएंगे किस तरह बैठानी है, ठीक है। ये गड्ढा इतना सही है। अब इस किसान ने पहले से सारी खाद वगैरह ज़मीन में मिलावट करके ये खेती कर दिया था। ये जितना भी प्लांटेशन पहले से सीड बो दिया था इसमें बरबोटी की, इसलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं दे रहे क्योंकि पहले से मिट्टी तैयार है। आप लोग जब मिट्टी नहीं तैयार है तो आप इसमें खाद वगैरह वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे के बैठा सकते हैं। और ये प्लांटेशन आपको स्क्वायर फुट के अंदर किया गया है, उधर भी 4 फीट है, इधर भी 4 फीट है और इधर भी 4 फीट है। ये जो गड्ढा है इधर भी 4 फीट है, ठीक है। इस तरह से उधर भी आपको 4 फीट है क्योंकि प्लांट पूरा आपको स्क्वायर फीट के अंदर रहेगा। क्योंकि इस प्लांटेशन जो किया है फार्मर ये है 1 साल के, 1 साल के बाद ये काट डालेगा, फिर वो प्लांटेशन करेगा, अगली खेती करेगा। और इसमें आप देख सकते हैं सीड का प्लांट भी निकल चुका है, बहुत स्वस्थ है इसमें। और इसमें जो नाले बनाया गया है इस नाले के पास पास में खाद डालेगा इसलिए किया गया है, और पानी भी इसमें छोड़ेगा, इसमें जड़ में पानी नहीं आएगा, ये नाली से आएगा। और एक नाली प्लांटेशन किया गया है, आप देख सकते हैं इस खेत में। इसमें आपको जो भी नॉलेज नहीं मिलती है, जो आपको समझ में नहीं आती, हमारे स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। और इस खेत में जो प्लांटेशन किया जा रहा है ये ग्रीन एप्पल बेर है, और ग्रीन एप्पल बेर ज़्यादातर आप कम नज़दीकी से लगा सकते हैं, कम दूरी पर लगा सकते हैं। लेकिन अलग जो खेती है रेड एप्पल बेर हैं, इतना नज़दीकी से आप प्लांटेशन नहीं कर सकते। 1 साल भलाई की 1 साल के लिए कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। और इसमें 6 महीने नीचा वाला जितना भी सब्जी है, अभी मटर है सर, आपको जितना भी दाल की खेती कर सकते हैं, छोटा मोटा सलाद की खेती कर सकते हैं। जिस तरह प्लांट के ऊपर चढ़ जाए इस तरह का कोई भी खेती नहीं कीजिएगा, सिर्फ छोटा वाला प्लांटेशन की खेती, जो भी सब्जी खेती या दाल की खेती, इस तरह का खेती आप करेंगे तो इस तरह का खेती आप 6 महीने तक कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा, वो प्लांट में आपको फ्रूट लगेगा और एक ही पैसे से आपका खेती भी हो जाएगा और एक ही पैसे से आपका प्लांट भी तैयार हो जाएगा। ये कैरेट में प्लांट लाया गया है, हमारा जो फार्मर है ये कैरेट में लाया है, ये प्लांट को बैठा रहे हैं। और हमारी ये किसान है, ये हमारे पास से प्रोडक्ट लेके
तो हम अभी इनके पास आए हैं जो किस तरह बिठा रहे हैं और किस तरह बिठाना चाहिए। तो इसके लिए आपके भी मदद के लिए एक वीडियो हम डाल रहे हैं यूट्यूब पर, और इसमें कोई भी जानकारी छोटा है तो आप जानना चाहते हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगा। गो ग्लोबल, गो किशन।